हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? जैसे हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, जिसके अंदर हमारे पास दो एक्सेस होंगी, एक्स एक्सेस एंड ए वाई एक्सेस। आपने 8th में पढ़ा था। अब देखते हैं, हम सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन पे हमारे पास डिजिट्स नोट करेंगे, 1, 2, 3 अप टू, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स के अंदर। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, एक हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं। अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को एक को हम इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये हमारे पास क्या होता है, एक्स डैश। ये हमारे पास क्या है, वाई। इसको हम क्या नाम देते हैं, वाई डैश। जो हमारे पास एक्स है, जो बीच में हमारे पास मेन पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, 0, 0, और उसका नाम क्या होता है, ओरिजन। क्या नाम है इसका, ओरिजन। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस है। एक्स और एक्स डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। वाई और वाई डैश को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और 0 हमारे पास क्या होता है, ओरिजन। फिर हमारे पास इसके दो नाम और भी हैं। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम है एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। उसके बाद जब हम एक्स और वाई दोनों से कोई भी वैल्यू निकाल के, जब हम उस एक्स और वाई को इकट्ठा रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। उसके बाद देखते हैं, हम जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया हमने इसको। 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद इधर से बेटा, हम फर्स्ट हमारे पास कंडीशन होती है कि ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें देखना है कि किस में एक्स प्लस का है और किस में एक्स माइनस है, एंड किस में वाई पॉजिटिव, किस में वाई नेगेटिव। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट के अंदर हमने वैल्यू रखी 2 एंड 3, 2 और 3। इट मीन्स ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक्स की, और ये किसकी वैल्यू है, वाई की। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 2। एक्स की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है एक्स की पॉजिटिव वैल्यू। वाई की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है, वाई की भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, जिसके अंदर एक्स भी पॉजिटिव है एंड वाई भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन है, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। सेकेंड हमारे पास, फर्स्ट था हमारे पास 2, 3, फिर हम लेके चल रहे हैं कोई भी डिजिट, -3, 4। -3, 4 हमारा किस क्वाड्रेंट में लाइक रहेगा, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, -3। एक्स की वैल्यू देखते हैं, -3, एक्स इधर पॉजिटिव है, इधर आपके पास एक्स नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू -3 यहाँ पे आएगी आपके पास, और वाई की वैल्यू प्लस। वाई की वैल्यू प्लस कहाँ है, ये है वाई की वैल्यू प्लस, तो यहाँ हमारे पास वाई की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। इट मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारे पास दोनों नेगेटिव है, जैसे ये है आपके पास, तो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है इधर, और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो इसके लिए हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होगा एंड वाई भी नेगेटिव होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी आपके पास और वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव है। अब हम इसी के बेस पे एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 3 फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी। फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखा, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको किसी दूसरे के लिए द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प, एक
टेबल लैम्प की पोजीशन ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के लिए आपको एक टेबल लैम्प लगाना है किसी एक स्टडी टेबल पे, तो उसको आपको अरेंज करने के लिए सिर्फ एक फिगर बना के दिखानी है और हम इसको नोट करके दिखा रहे हैं। द टेबल लैम्प इज 2 feet फ्रॉम द शीटिंग साइड ऑफ द डेस्क एंड 1 feet फ्रॉम इट्स राइट एजेज। जो 1 feet तो हमारे पास क्या होगी, उसकी राइट एजेज ले लेंगे और 2 feet हमारे पास उसकी शीटिंग साइड हो जाएगी। शीटिंग साइड मीन्स जिस साइड वो बैठा है उस साइड हमारे पास क्या होगी, 2 feet होगी एंड अपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी, 1 feet होगी। सो वी कैन राइट पोजिशन लैम्प, जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे करते थे, ये हमारे पास एक पोजिशन लैम्प है। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, ये किसकी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। इसको हम क्या लिख देंगे, 2 and 1। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में आपका एक स्ट्रेट प्लान दे रखा है, स्ट्रेट प्लान के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। हमारे पास कोई भी रोड दे रखा है, रोड के ऊपर हमें स्ट्रीट ड्रॉ करनी है। कैसे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। नॉर्थ साउथ में हमें कितने ड्रॉ कर रखी है स्ट्रीट, 5 स्ट्रीट, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट भी 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रीट ड्रो कर रखी है। फिर आपको बता रखा है कि किस स्ट्रीट का क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये बना के फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4, 3। ये पूछ रखा आपसे कितनी, हाउ मैनी कितनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4, 3। 4, 3 को कितनी हमारे पास स्ट्रीट रेफर करती है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है 4 और वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 3। एक्स की वैल्यू 4 यहाँ पे होगी और वाई की वैल्यू 3 होगी हमारे पास। ये स्ट्रीट प्लान है, इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3, तो इसके लिए कितनी रेफर करती है हमारे पास, सिर्फ एक स्ट्रीट रेफर कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, ओनली 1 cross street कैन बी रेफर टू एज 4, 3। नेक्स्ट है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3, 4। उसके लिए भी हमारे पास क्या आएगी, ओनली 1 cross street कैन बी रेफर टू एज 3, 4। दोनों के लिए हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। ओके, थैंक यू। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू।